और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कैपेसिटर। हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। नेक्स्ट एग्जाम जो टेस्ट होगा उसमें ये भी आएगा, सर आपके सिलेबस में मेंशन नहीं होगा ये, ठीक है, कैपेसिटर मेंशन नहीं होगा, लेकिन पीरियोडिक टेस्ट है तो जहां तक पढ़ाया जाएगा कैपेसिटर में वहां तक आपको पूछा जाएगा ये, ठीक है। बेसिकली कैपेसिटर होता क्या है या फिर कैपेसिटेंस होता क्या है, नया टॉपिक है। तो बेसिकली कोई भी कंडक्टर अगर हम लेते हैं, कोई भी अगर हम लोग कंडक्टर लेते हैं, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एक मैंने ऐसे स्फीयर का कंडक्टर ले लिया, ठीक है। तो अगर मान लो कि इस पर चार्ज आपने क्यू रख दिया, चार्ज आपने इसको क्यू दे दिया, इसका रेडियस मान लो कि आर है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल होगा वी इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम लोग, तो बोलते हैं के क्यू बाई आर होगा। के क्यू बाई क्या होगा, आर होगा। कोई भी मान लो कंडक्टर है हमारा, तो आपको पता है कोई भी अगर चार्ज कंडक्टर हो, स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर हो, तो उसका जो पोटेंशियल होता है क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है, ठीक है। अगर देखोगे तो अगर हम लोग बोले कि वी बाई जो क्यू होगा, वी बाई जो क्यू होगा वो क्या होगा, तो के बाई आर के बराबर। अगर कंडक्टर हमारा फिक्स है तो के हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, आर भी हमारा क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ये चीज क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, चार्ज होगा। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा। अगर यहाँ पे चार्ज आप बढ़ाते जाते हो, इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ते जाएगा, पोटेंशियल जाएगा बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ठीक है। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि क्यू बाई वी जो है, क्यू बाई वी जो है किसी भी कंडक्टर के केस में क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। फॉर एनी आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है, क्यू बाई वी इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, क्यू बाई वी इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। अलग अलग मान लो कि आप रेडियस का कंडक्टर ले लेते हो, तो हर केस में क्या होगा, तो क्यू बाई वी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, क्यों क्यू बाई वी क्या हो जाएगा, आर बाई क्यू हो जाएगा, तो क्यू बाई वी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो कहने का मतलब ये जो कॉन्स्टेंट है, ये जो कॉन्स्टेंट है, इसी कॉन्स्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कैपेसिटेंस बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो जो कॉन्स्टेंट है क्यू बाई वी, इसको बोलते हैं हम लोग सी, क्या बोलते हैं हम लोग सी। सी क्या है, सी है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस कहने का मतलब क्या है, तो मान लो कि किसी का रेडियस ज्यादा है, किसी का रेडियस ज्यादा है, ठीक है, के तो क्या है, फिक्स है, के तो क्या है, फिक्स है, तो लोग बोल सकते हैं कि q इज इक्वल टू आर बाई के इंटू वी, आर इंटू के बाई वी। तो अगर मान लो कि किसी का पोटेंशियल मान लो कि 10 है, तो उस पर जो चार्ज आ जाएगा कितना आ जाएगा, आर बाई के इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब मान लो कि कोई बड़ा हमले ले लेते हैं, बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर ले लेते हैं जिसका रेडियस कितना है, 2r है। अब मान लो कि इस पे अगर पोटेंशियल अगर हम लोग 10 ही रखते हैं, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू, अब r क्या हो गया, डबल हो गया है, क्या हो जाएगा, 2 into r by k into क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो q2 भी क्या हो गया है, डबल हो गया है, q2 भी क्या हो गया, डबल हो गया है। यानी अगर मान लो दोनों पोटेंशियल क्या है, सेम पोटेंशियल पे है, एक कंडक्टर क्या आपका बड़ा है क्या छोटा है, तो इस पर जो चार्ज रखने की जो कैपेसिटी है, इसका चार्ज होल्ड करने का जो कैपेसिटी है, वो क्या आपका क्या है, बढ़ गया है,
चार्ज होल्ड करने का क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये कैपेसिटी है चार्ज होल्ड करने का किसी भी कंडक्टर का, इसी कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। और इसको जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, कैपेसिटेंस है। यानी सी के देख के हम लोग बता सकते हैं कि किसी का अगर सी ज्यादा है, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या करेंगे, चार्ज क्या करेगा, ज्यादा होल्ड करेगा, चार्ज क्या करेगा, ज्यादा होल्ड करेगा। तो कैपेसिटेंस बेसिकली क्या है, कैपेसिटेंस अपने को ये डिनोट करता है कि कोई भी कंडक्टर ठीक है कितना चार्ज होल्ड करेगा, कितना चार्ज होल्ड करेगा। ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज होल्ड करने का ठीक है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अपना क्या है, तो कैपेसिटेंस है। अगर किसी का कैपेसिटेंस ज्यादा है, हम कहने का मतलब क्या होगा, वो क्या करेगा, ज्यादा चार्ज क्या करेगा, होल्ड करेगा, ज्यादा चार्ज क्या करेगा, रखेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो C इज इक्वल टू किसी भी कंडक्टर के लिए अगर हम लोग कैपेसिटेंस डिफाइन करें, C इज इक्वल टू क्या आ गया, Q बाई वी आ गया, Q बाई वी आ गया। ठीक है, अगर हम लोग Q इज इक्वल टू 1 कूलम पुट कर दे, ठीक है, Q इज इक्वल टू अगर हम लोग 1 कूलम पुट कर दे एंड V इज इक्वल टू अगर हम लोग 1 वोल्ट पुट कर दे, तो जो कैपेसिटेंस है C इज इक्वल टू वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 कूलम पर वोल्ट, 1 कूलम पर वोल्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग एक नया यूनिट देते हैं, कूलम पर वोल्ट को हम लोग बोलते हैं 1 फैराड, 1 फैराड। क्लियर है, ठीक है, फैराड है। उसको डिनोट कैसे करेंगे, एफ से, कैपिटल एफ से। ठीक है, तो कैपेसिटेंस मेजर करने का तरीका कैसे होगा, तो क्यू बाई वी, और इसका जो यूनिट होगा कितना होगा, फ्रेड। वन फ्रेड मतलब क्या है, तो वन फ्रेड करने का मतलब क्या होगा कि मान लो किसी का कैपेसिटेंस मान लो वन फ्रेड है, वन फ्रेड करने का मतलब क्या हो गया कि अगर एक वोल्ट उसका पोटेंशियल होगा, ठीक है, तो चार्ज कितना होल्ड करेगा, 1 कूलम्ब का चार्ज होल्ड करेगा। ठीक है, यानी से बोल सकते हैं किसी का कैपेसिटेंस अगर 1 है, कैपेसिटेंस क्या है, 1 है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, तो Q इज इक्वल टू क्या है, C इंटू वी, Q इज इक्वल टू क्या है, C इंटू वी। अगर किसी का कैपेसिटेंस कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो 1 कैपेसिटेंस यानी 1 फैराड हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मान लो कोई अगर आपको कंडक्टर है, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल 1 डिग्री बोल रहा हूँ, इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट रेज करने के लिए जितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 1 कैपेसिटेंस होगा। 1 कैपेसिटेंस कैसे हो जाएगा, 1 कैपेसिटेंस मतलब इसका 1 वोल्ट पोटेंशियल कैसे रेंज करेगा, जिस पर चार्ज देते जाओगे, इस पर क्या करोगे, चार्ज बढ़ाते जाओगे। तो जैसे जैसे चार्ज इसमें बढ़ाते जाओगे, इसमें पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। तो एक चार्ज जिस पर पोटेंशियल कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, ठीक है, इतना चार्ज जिस पर पोटेंशियल क्या हो जाए कंडक्टर का, 1 वोल्ट हो जाए, तो उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा कितना होगा, 1 फैराड के बराबर होगा। मतलब बोल सकते, ये बात समझ में आ रहा है, हम लोग बोल सकते हैं कि वन कैपेसिटेंस 1 फैराड, ऐसे बोल सकते हैं, C इज इक्वल टू 1 फैराड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ चार्ज required to rise the potential of conductor by 1 volt, 1 volt, ठीक है, 1 फैराड का मतलब क्या होगा, किसी का भी कैपेसिटेंस अगर 1 फैराड है, इसका मतलब
1 वोल्ट पोटेंशियल रेज करने की जितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, 1 फैराड के बराबर होगा। क्लियर है? तो बेसिकली मोटा मोटे हम लोग समझ में आता है कैपेसिटेंस क्या है। तो किसी भी कंडक्टर को चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी है। कोई भी कैपेसिटेंस देख के हम बता सकते हैं, जैसे किसी कैपेसिटेंस 2 है, किसी कैपेसिटेंस क्या है 2 है, तो 1 वोल्ट रेज करने के लिए क्या होगा, ज्यादा चार्ज चाहिए होगा। 1 वोल्ट तक पोटेंशियल मिलेगा, ये ज्यादा चार्ज चाहिए होगा। किसी कैपेसिटेंस मान लो कि 10 है, तो 1 वोल्ट करने के लिए क्या, ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा। मान लो सब क्या है 1 पोटेंशियल पे है, 1 वोल्ट पे भी है, 1 वोल्ट पे ए भी है। इसका कैपेसिटेंस मान लो कि 1 फैराड है, तो यहाँ पे चार्ज क्या करेगा, ये कम होल्ड करेगा। यहाँ पे मान लो कि 2 फैराड है, तो क्या करेगा, डबल चार्ज होल्ड करेगा। यानी 2q अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए होगा इसको पोटेंशियल रेज करने के लिए। तो क्या करेगा, अगर कैपेसिटेंस ज्यादा है, इसको मतलब चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी भी क्या है इसका, ज्यादा है। तो कैपेसिटेंस का मतलब डायरेक्टली क्या हो गया है, चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी। किसी भी कंडक्टर का अगर लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं, मतलब सिंपल हम समझेंगे कितना चार्ज वो होल्ड करना चाहेगा, मतलब कितना चार्ज वो होल्ड कर सकता है, चाहेगा नहीं, कितना चार्ज वो होल्ड कर सकता है, वो क्या उसका डिफाइन करेगा, कैपेसिटेंस से डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका 1 फैराड, आपका एसआई यूनिट आ गया। ठीक है, क्या आ गया, एसआई यूनिट आ गया 1 फैराड। और भी जनरली हम लोग ये क्या है, बहुत बड़ा यूनिट है 1 फैराड, क्या है बहुत बड़ा यूनिट है। इन जनरली हम लोग जो यूज करते हैं फ्रैक्टल्स जो यूनिट होता है, फ्रैक्टल जो यूनिट आपको किताबों में मिलेगा, वो आपको इन जनरली ऐसा मिलेगा 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड करने का मतलब कितना होगा, 10^-6 फैराड। तो आपको ऐसा मिलेगा 1 पिकोफैराड। पिकोफैराड करने का मतलब कितना होगा, 10^-12 फैराड होगा। 1 पिकोफैराड मतलब 10^-12 पिकोफैराड। क्लियर है? Yes. ये हम लोग समझे मोटा मोटी कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटर का मतलब समझे हम लोग। ठीक है, ये किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है, इसके लिए हम लोग क्या बताएगा, सिंपल भाषा में आपको ये बताएगा कि वो कैपेसिटेंस कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। ठीक है, और हमने डिफाइन किया 1 फैराड, कैसे डिफाइन किया, कि कोई भी कंडक्टर हो, ठीक है, उसका कैपेसिटेंस हम 1 फैराड तभी बोलेंगे, ठीक है, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल रेज करने के लिए अगर 1 कूलम्ब चार्ज क्या हो, रिक्वायर्ड हो। अगर इस कंडक्टर को पोटेंशियल अगर रेज करना 1 वोल्ट से और 1 कूलम्ब चार्ज अगर रिक्वायर्ड होगा, इसको बोलेंगे कैपेसिटेंस कितना है इसका, 1 फैराड है। ठीक है, अगर इसका कैपेसिटेंस मान लो कि 2 फैराड होगा, तो क्या होगा, 1 वोल्ट रेज करने के लिए आपको 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज आपको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा C × V। जितना कैपेसिटेंस ज्यादा रहेगा किसी का, ठीक है, उतना ही चार्ज क्या करेगा, ज्यादा स्टोर करेगा। क्लियर है? तो हम लोग डिफाइन करते हैं अलग अलग कंडक्टर का, पहले कैपेसिटर, पहले हम लोग लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। अगर मान लो कि इसका हमको कैपेसिटेंस डिफाइन करना हो स्फेरिकल का, जिस पर चार्ज कितना है, चार्ज इस पे है प्लस ऑफ क्यू, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस कितना है आर है। अब पूछे बताओ इसका जो कैपेसिटेंस होगा कितना होगा, कैसे डिफाइन करेंगे, तो अभी पता है आपको इसका जो वी होगा, वी इक्वल टू कितना होगा, तो के क्यू बाई आर। के इक्वल टू क्या होता है, तो 1/4πε₀r क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो आपको पता है कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करते हैं, तो सी एच इक्वल टू क्या होता है, सी एच इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो क्यू बाई वी करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये आ जाएगा आपका 4πε₀r।
अगर हम लोग आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करें स्फेरिकल का, अगर रेडियस अगर आर है, इसका जो कैपेसिटेंस होगा कितना हो जाएगा, 4 pi epsilon naught into क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, ये आपका कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, किसी भी तरह का स्फेरिकल अगर कंडक्टर रहेगा उसका जो कैपेसिटेंस होगा कितना होगा, 4 pi epsilon naught into r होगा। क्लियर है, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होगा। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं करो, द अर्थ हैज वॉल्यूम वी एंड सरफेस एरिया ए, देन कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज क्या होगा, ए ऑप्शन है 4 pi epsilon naught a by v, ऑप्शन बी 4 pi epsilon naught v by a, ऑप्शन सी। Epsilon naught a by v और ऑप्शन डी 12 pi epsilon naught v by a, क्या होगा आंसर बताओ। अर्थ कैसा होगा, अर्थ हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे, स्फेरिकल कंडक्टर की तरह, स्फेरिकल कंडक्टर की तरह। ठीक है, तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है, तो 4 pi epsilon naught into r होता है। अगर अर्थ की बात करें, अर्थ का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 4 pi epsilon naught into रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। अब रेडियस ऑफ अर्थ ना देख के आपको दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना है, v है, और एरिया कितना है, इसका a है। अर्थ को आपको स्फेयर की तरह कंसिडर करोगे तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा, 4 by 3 pi r cube, r कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग r कैपिटल रखे हैं, तो हो जाएगा r ही का क्यूब। और एरिया की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 pi r square हो जाएगा ना। स्फेयर का क्या होता है, सरफेस एरिया कितना होता है, तो 4 pi r square होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4 by 3 pi r cube। आपको रेडियस ऑफ अर्थ चाहिए, अगर रेडियस ऑफ अर्थ निकल जाएगा तो आप ऑप्शन मार सकते हो। रेडियस ऑफ अर्थ कैसे निकलेगा, देखो आर ई क्यू है, आर ए स्क्वायर है, दोनों को डिवाइड कर दो, अगर वी बाई ए कर देते हैं हम लोग तो कितना होगा, 4 pi से 4 pi तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा कितना आपका आर ई, और बचेगा आपका 3, बचेगा कि नहीं बचेगा, देखो आर ई 3 बच जाएगा, वी बाई ए करोगे तो 4 pi से 4 pi कैंसिल हो गया, r square कैंसिल हो गया, ऊपर बचा r/3 बचेगा, तो आपको यहाँ से r ही आ गया, r इज इक्वल टू कितना हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो गया, तो जाएगा 3 v/a, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो 4 pi epsilon naught r e, r की जगह पे क्या पुट कर दोगे आप, 3 v/a पुट कर दोगे, कितना आ गया आपका 12 pi epsilon naught v/a, 12 pi epsilon naught v/a। क्लियर है, क्लियर है, यस सर। ठीक है, जैसे कि और पसंद करता हूँ, टाइम है ना, अभी काफी टाइम है, एट ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ऑफ इक्वल रेडियाई
पोजिशन इक्वल चार्ज, इक्वल चार्ज कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, देन कैलकुलेट कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप टू ईच इंडिविजुअल ड्रॉप, इस इंडिविजुअल ड्रॉप। अगर मान लो कि छोटे वाला ड्रॉप जो है उसका कैपेसिटेंस अगर सी है तो बड़े वाले का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? ऑप्शन है ए 8 times, ऑप्शन है बी 4 times, ऑप्शन है सी 2 times, ऑप्शन है डी इक्वल। क्या होता जरा छोटे छोटे ड्रॉप है, एक ड्रॉप से ठीक है, जिसमें सब पे क्या है इक्वल चार्ज है ठीक है, कोई चार्ज मान लेते हैं क्यू, और इन सब ऐसे ऐसे 8 drops को मिला के इक्वल इक्वल है ठीक है, 6, 7, 8 हो गया क्या, 5, 6, 7, 8 कैसे भी इनको मिला के क्या क्या है एक सिंगल ड्रॉप बनाया गया ठीक है। तो अगर इन सब का कैपेसिटेंस अगर मान लो कि सी है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा ये पूछेगा क्वेश्चन में। बताओ कितना होगा, एट टाइम्स कैसे किया? जैसे कि मान लो कि छोटे छोटे ड्रॉप्स है, इसका सी कितना होगा? इसका होगा 4πε0 × r मान लेते हैं, स्मॉल r ठीक है। और इसका अगर बात करते हैं हम लोग, इसको हम मानता हूँ छोटा सी बड़ा सी लिखूंगा सेम ही लगता है ना सी, तो इसको मैं सी नॉट मान लेता हूँ। ये क्या है सी नॉट क्या है, तो जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉप थे उसका कैपेसिटेंस, और जो मिलकर जो बड़ा बना है उसका जो कैपेसिटेंस होगा कितना आ जाएगा, तो 4πε0 × इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा, तो सही काम करना है ना, बस आपको निकालना है कि इसका रेडियस कितना होगा। अगर इन सब का मैं ऐसा नहीं करता हूँ, एक ही ड्रॉप बनाता हूँ सिंगल, जिसका रेडियस कितना है आपका आर है, और ऐसे लिखता हूँ क्रॉस बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 ड्रॉप्स, तो क्या बनेगा, बड़ा ड्रॉप बनेगा। जरा बताओ अगर इस तरह का ड्रॉप है, 8 drops इस तरह से मिलाए हो, ए बना के इसका रेडियस निकाल सकते हो क्या? बस अगर ए निकल जाएगा तो काम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अगर आर और स्मॉल आर में रिलेशन आ जाए तो बता सकते हैं कैपिटल सी और सी नॉट में क्या रिलेशन होगा, कैसे निकलेगा? अगर 8 drops मिलाओगे इसका मिला है तो क्या होगा, 8 × v0 = कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, सबका ऐड होता जाएगा, नहीं होता जाएगा, चेंज हो जाएगा वॉल्यूम। अगर मान लो कि पानी का एक ड्रॉप आप मिलाते हो, 8 drops मिलाओगे पानी का, तो वॉल्यूम क्या करेगा, सेम ही रहेगा ना वाटर का? अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे आप मान लो कि 1 ml लेते हो पानी, और उसके 8 drops आप ले लेते हो, 8 drops ले लोगे तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा उसका, 8 ml हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 liter दूध लो, फिर 2 liter, 1 liter और दूध उसमें ऐड करो, फिर 1 liter और दूध ऐड करो, तो कितना हो जाएगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा ना, वॉल्यूम क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा ना, क्या हो जाएगा? अगर इस तरह से 8 drops लिए हो, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, बड़े वाला का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, 8 times ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ईच ड्रॉप्स ठीक है। वॉल्यूम की बात करें तो क्या जाएगा, 8 times ऑफ
वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स हुआ कि नहीं होगा? तो बड़े वाला का वॉल्यूम कितना होगा? तो सब स्फेरिकल ही बनेगा, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। और इसका देखोगे तो 8 इंटू छोटे वाला कितना जाएगा, 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। हमेशा ऐसे क्वेश्चन करना है, जब भी मान लो कि 1, 2, 3, 4 ड्रॉप्स मिला के आपको बड़ा ड्रॉप्स बना रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, बेसिकली एड होते जाएगा ना, वॉल्यूम क्या होता जाएगा, एड होते जाएगा। यहाँ से देखोगे तो 4/3 पाई 4/3 पाई क्या होगा, कैंसिल हो गया। जो कैपिटल आर इक्वल टू आ जाएगा, क्या जाएगा, 2 times ऑफ स्मॉल आर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसका जो कैपेसिटेंस होगा कैपिटल बड़े वाले का वो कितना हो जाएगा, तो 4 pi epsilon naught इंटू कितना हो जाएगा, 2 into r। और आपको पता है 4 pi epsilon naught इंटू आर कितना था, 4 pi epsilon naught इंटू आर कितना था, स्मॉल सी था, तो कितना हो जाएगा, 2 into c0। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 times हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बताओ, हाँ ना कुछ नहीं बोलता है जी? हाँ सर, बोला करो, नहीं बोलते ना तो फिर मतलब मेरा भी एनर्जी खत्म हो जाता है। इंटरेक्ट करोगे तो अच्छे पढ़ा पाएंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लो कि आपको बोले कई बार कि 1000 ड्रॉप्स लिए और एक सिंगल ड्रॉप बना दिए, तो कैपेसिटेंस कितना टाइम्स हो जाएगा बताओ। मान लो कि इस तरह के 1000 ड्रॉप्स लेके एक सिंगल ड्रॉप बनाए थे, तो बड़े वाला कैपेसिटेंस कितना टाइम्स हो जाएगा? कुछ करना थोड़ा ना है, ये क्या हो जाएगा, 4/3 pi r³। ठीक है, कैपिटल आर का जो आर क्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1000 times ऑफ स्मॉल आर क्यू हो जाएगा। तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा, तो 10 times ऑफ आर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसको लिखेंगे ना 10 r का ही लिखेंगे ना, होल क्यू लिखेंगे। 1000 रहेगा तो कितना हो जाएगा, ऐसे रह जाएगा। जैसे बोलेगा आपको 64 ड्रॉप्स मिला के एक सिंगल ड्रॉप बना दिया है, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ऑब्वियस है बड़े वाला का जो रेडियस होगा कितना हो जाएगा, 4 times ऑफ स्मॉल रेडियस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 4 into 4 into 4 का कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, 4 times हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। इस तरह क्वेश्चन खूब आते हैं। नीट उठ में भरदम आते इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे, जैसे यहां तो पूछा कि दे कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द बिगर ड्रॉप टू ईच इंडिविजुअल ड्रॉप्स, अगर पूछे कि सेम ही क्वेश्चन में कि पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप is larger than that of small drops। और ऑप्शन दे दिया आपको, ये पोटेंशियल है बिगर ड्रॉप्स का, पूछता है कितना टाइम्स लार्जर होगा स्मॉल ड्रॉप से। ठीक है, तो कितना आ गया जरा निकालो, जरा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, अगर ऑप्शन ऐसे रखता है मतलब 8 times b 4 times, ऑप्शन सी 2 times और ऑप्शन डी इक्वल, क्या होना चाहिए बताओ। बिगर ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा स्मॉलर ड्रॉप से कितना टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, बस देखो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। एक प्रीवियस क्वेश्चन का ही कंटिन्यू है, कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग वी नॉट की बात करें, वी नॉट क्या है, पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, तो कितना होगा उसका पोटेंशियल,
अगर चार्ज अगर क्यू है तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। लेकिन अगर बिगर ड्रॉप की बात करें हम लोग पोटेंशियल, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा के इंटू, अब बिगर ड्रॉप में चार्ज कितना आएगा बताओ, अगर एक पे चार्ज अगर क्यू है, अगर मान लो किसी के ड्रॉप पर अगर चार्ज अगर क्यू है, अगर हम इसे से 8 ड्रॉप बनाओगे तो टोटल चार्ज कितना जाएगा इस पे, 8 की हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अरे एक स्मॉल ड्रॉप ले रहे हैं जिसका रेडियस कितना है आर है, चार्ज कितना है क्यू है। अब यहाँ पे क्या बना रहे हैं, वो बड़ा वाला चार्ज बना रहे हैं, बड़ा वाला ड्रॉप बना रहे हैं जिसका रेडियस कितना था कैपिटल आर। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, 8 की हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, yes, और इसका रेडियस आपको पता है, इसका रेडियस कितना होगा, तो कैपिटल आर इक्वल टू कितना आया था, रेडियस कितना है 2 टाइम्स आया था, यहां पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, 2r पुट कर देंगे, इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा कितना आ जाएगा, हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ k की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका जो पोटेंशियल आपसे पूछे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। कैपेसिटेंस पूछे तो 2 टाइम्स, पोटेंशियल पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। क्लियर है, क्लियर है, यस सर, यस। ये तो था आपका स्फेरिकल अगर कंडक्टर रहकर उसका हम लोग कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे से हम लोग को जो बेसिक पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शुरू करेंगे, आज के लिए इतना है। और क्वेश्चंस करके आओगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम लोग का नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चंस करके आओगे सारा जितना दिया हूं, क्लियर है। उसको जल्दी से खत्म करो, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाओ ताकि हम लोग थोड़ा कैपेसिटर के भी क्वेश्चंस करें, होमवर्क दो, ठीक है। नेक्स्ट बुकलेट आपको भेज दूंगा मैं ग्रुप में ही कैपेसिटर वाला, ठीक है। पहले उसको कंप्लीट कर लो फटाफट, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ पूछना है